तो गाइस अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है, हम चढ़ाई करके आ चुके थे और थक के सो गए थे तो वीडियो शूट नहीं की। यहीं पे जो है ना गाइस, जीजा जी जो है नाश्ता ले आए थे, लगवा लाए थे, तो यहीं पे हम सब लोग जो है चाय नाश्ता कर लेंगे। तो आलू के पराठे थे, चटनी थी, तो सबने पहले जेंट्स ने खाया था, बच्चों ने खाया था, फिर उसके बाद हमने खाया। तो यहाँ पे हम चारों लेडीज इकट्ठे हो गए हैं, तो बीच वाली भाभी भी रेडी होकर आ गई थी ऊपर। और हमारे जो रूम थे वो ऊपर थे, तीन रूम ऊपर थे और एक रूम जो है नीचे था, तो चारों के अलग अलग रूम थे क्योंकि वहाँ पे जॉइंट नहीं मिला था इसलिए। तो बस हम जो है ना वहाँ से शॉपिंग वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के चल दिए थे। तो यहाँ पे ये टनल पड़ती हैं, तो भैया ने जो है ना सामने से ही वीडियो बना लिया था टनल का। तो ये तीन टनल पड़ती हैं और एक में जो है उजाला नहीं था और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हम जिस टाइम गए थे तो रात हो गई थी पहुंचते टाइम, वैष्णो देवी जाते टाइम, और ये हम आ रहे थे तो ये सुबह का टाइम था। तो हाँ, वीडियो जो है अच्छे से बन गया। तो यहाँ से होके गुजरे तो बच्चों ने जो है ना इतना शोर किया हुआ था, बहुत ही इन्जॉय किया, मतलब जाते टाइम का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा सबने इन्जॉय किया। और ये देखिए चारों तरफ पहाड़ी एरिया और बीच में से रास्ता, बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये, और कितनी मेहनत से मतलब बनाया होगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए चारों तरफ जो है ना पहाड़ी पहाड़ हैं, मतलब एकदम से हम अगर गहराई से सोचते हैं ना तो मतलब डर भी लगता है एकदम से ये नज़ारा देख के, चारों तरफ पहाड़ पहाड़, बीच में जो है रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना सब लोग निकल दिए थे और इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, गोल्डन टेम्पल, तो हम अमृतसर जाएंगे और वहाँ पे ही हम जो है रात को रुक भी जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो हम जो है रात को सफ़र नहीं कर सकते थे क्योंकि धुंध जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ड्राइवर को भी परेशानी होती है भैया गाड़ी चलाने में, तो इसलिए जो है ना हमने वहाँ पर रेस्ट किया रात को। तो सुबह मॉर्निंग में हम वहाँ से चले, तो अभी जो है हम पहुँच जाएंगे थोड़ी सी देर में। और यूँ तो काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र हो जाता है। तो ये देखिए चारों तरफ कहीं मतलब पहाड़ भी बहुत ही तरीके के थे, मतलब ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं मिट्टी जैसा, कुछ सीमेंट जैसा लग रहा था। तो ये देखिए ये, और अभी भी पहाड़ी पहाड़, बहुत ही मतलब डर भी लगता है देख देख के चारों तरफ। तो बस ये दीदी जो है पूरा इंजॉय कर रही हैं देखते हुए जा रहे हैं, और जो है बच्चों ने खूब मस्ती की, आपने देखा ना, और मस्ती करके जो है ना फिर वो थक के जो है थोड़े बहुत देर सो गए थे। और उसके बाद मैंने जो है वीडियो नहीं बनाया, तो हम अमृतसर पहुंच चुके थे, उसके बाद मैंने शूट किया। तो यहाँ से जो है थोड़ा सा दिख रहा था बस में से ही अमृतसर गोल्डन टेम्पल, तो हमने जो है वहाँ से ऑटो रिक्शा कर लिए थे, तो आगे वाली रिक्शे में जो है दीदी हर बैठे थे और उसके पीछे वाले में हम थे, तो यहाँ से उससे पीछे वाले में जो है मेरी भाभी घर थी। तो हम जो है पहुँच गए, तो तीनों ऑटो जो है पहुँच गए थे। तो ये देखिए मैंने इसको कवर किया हुआ, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, और ये जो है बिल्कुल भी नहीं ढकती है, मंकी कैप को बार बार सरका देती, तो मैंने जो है ना शॉल से अपना
इसका मुंह ढक दिया था, और वहाँ पे जाके ये बहुत मस्ती करने वाली है। और ये मामा जी का लड़का है, मेरा भाई, ये मेरी भाभी, तो हम जो है एक रिक्शे में बैठे थे, तो बस जो हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आपको हाय बोल रहे हैं। और आगे जीजू चल रहे हैं और उससे आगे वो जीयू, जीयू के पापा थे देखिए, और जो है सब लोग आगे हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पहुँच के। और जो है ना गोल्डन टेंपल में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गाइज। तो प्लीज़ आप भी इंजॉय कीजिएगा मेरी वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इन दोनों पापा बेटी को आप देख सकते हैं, और बड़ी बेटी तो मेरी आगे ही है, वो तो मामा जी के ही साथ है। और ये देखिए इसके चक्कर में जो है ना पीछे रह गए थे, इनकी वीडियो बना रही थी और ये दोनों जो है भागे हुए जा रहे थे। देखना आप कितनी क्यूट लग रही है, बहुत ही ज़्यादा इसकी मस्ती होती है, मतलब खुश होती है ना तो बहुत अच्छे से रहती है, और इसका जब मन उछट जाता है ना तो बहुत ज़्यादा रोती है। वैसे इसने मेरे को परेशान नहीं किया, और आप देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल बहुत ही प्यारा है। मैं सेकंड टाइम गई हूँ अभी यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अरे दर्शन तो जिया जिया यहाँ पे जो है ना हम वेट कर रहे थे भैया भाभी का, क्योंकि वो नहीं आए थे और मेरे भाई ने फिर से आपको हाय बोल दिया। तो यहीं पे जो है ना जीजा जी और भैया ये सब खड़े थे, और मेरी बड़ी वाली भाभी जो है ना वो पीछे रह गई थी, अब मिली नहीं थी फिर काफ़ी देर तक। तो बस उन्हीं को जो है ना ढूंढने भैया चले गए मेरे, तो उन्हीं के वेट में हम खड़े हैं, तो वो जो है ना पीछे ही आते हैं और हम लोग जो है दर्शन कर लेते हैं। और बस हम जो चले गए हैं वो अभी भी नहीं आई हैं,
तो वो काफ़ी देर बाद आती हैं, तो इतने जो है हम दर्शन कर लेंगे, उसके बाद वो आ जाएंगी। तो ये आप देख लीजिए, स्वर्ण मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे रंग बिरंगी जो है ना मछलियाँ भी हैं, तो आपको वीडियो में आगे चल के दिखेंगी वो। और आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तो देखिए मछली आ चुकी है, देखिए बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इन मछलियों को देखना, बहुत ही कलरफुल हैं और काफ़ी सारी थी। ये देखिए तो बच्चे जो है ना देख रहे हैं और कितना जगमगा रहा है मंदिर, बहुत अच्छा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अभी जो है एक वीडियो अभी और आने वाला है।